हेलो दोस्तों, जय श्री राधे राधे। फ्रेंड्स, तो आज छोटी सी वीडियो आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। ये है मोगरा का प्लांट मेरा, और ये काफ़ी खुशबूदार प्लांट है। ये इतनी अच्छी फ्लावरिंग करता है ना कि बस दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, क्योंकि बहुत ही अच्छी खुशबू आती है इसकी। रात के समय फूल खिलते हैं और सुबह दोपहर तक जो इसके फूल ये गिर जाते हैं। तो इतना अच्छा फ्लावर है ना, आप देख सकते हो। ये मेरा प्लांट 4-5 साल पुराना है, और इसकी हर एक नोट पे आप देख सकते हो, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जिस पे बर्ड्स ना आए भी हो। आप देख सकते हो सारे जो हैं, जितनी भी कलियां हैं, कितनी अच्छी तरीके से मेरा पूरा प्लांट जो है कलियों से भर गया है। और ये फर्स्ट टाइम जो है मैंने अपने प्लांट पे ऐसी ग्रोथ देखी है फ्रेंड्स, जो कि मैंने कुछ किया है इसमें, जो आज मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगी। तो यही मेरा एक छोटा सा मकसद है, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो भी मैं अपने गार्डन में देखती हूँ, करती हूँ, वो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने प्लांट पर करिए, और आप भी मेरी तरह से जो है काफ़ी ज़्यादा फूल पाइए। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरे के साथ जो है नॉलेज बांटने से ही नॉलेज बढ़ती है। और ये मेरा जो है फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने अपने प्लांट पे कुछ ऐसे काम किए जो मेरे प्लांट में इतने सारे भर भर के, मतलब मुझे कोई भी जगह जो है खाली नहीं दिख रही है बिल्कुल भी। हर एक उस नोट पे आप देख सकते हो भर भर के कलियां आई हुई है, भर भर के फ्लावरिंग कर रहा है, और इससे मैं जो है बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ। ये आप देख सकते हो मेरा कितना प्यारा सा प्लांट, सच में बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, वो काम क्या है जो मैंने किया है, आज मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, और आप भी ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। इससे आपको बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी अच्छे जो है किया है मैंने भी भाई, मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से जो है फ़ायदा हुआ है इस चीज़ का। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आपने प्लांट्स में जो है आपने इसकी जो है खुदाई नहीं की है, तो थोड़ी थोड़ी जो है इसकी खुदाई कर दीजिए, और इसके में जो है आप डाल दीजिए चाय पत्ती। जो घर में चाय बनती है आप उसको या तो पका के डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जो उबली हुई चाय है और आप उसको ऐसे ही फेंक देते हैं डस्टबिन में, तो उसको धूप में सुखाकर अच्छी तरह से धो के, ताकि इसका जो चीनी वाला पानी है वो निकल जाए, और उसको धूप में सुखाकर फिर इसके अंदर जो है आप डाल दीजिए हल्की हल्की सी जो है इस पर खुदाई करके, और उससे भी जो है काफ़ी अच्छा जो है रिजल्ट आता है। मैंने यही सब किया था फ्रेंड्स इसमें, और मुझे जो है दूसरी बार ये फ्लावरिंग देखने को मिली, क्योंकि एक बार जो इस पर फ्लावरिंग हो चुकी थी और उसके जो है सारा ख़त्म हो चुका था। फिर मैंने एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी आप सभी के साथ में कि मैंने ये सब किया है, आप देख सकते हो मेरे चैनल पे पड़ी होगी, तो वो किया है। फिर उसके बाद जो है आपको मैं भी एक आदि बता देती हूँ। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है फ्रेंड्स, अगर आप अपने प्लांट्स में भर भर के फ्लावरिंग पाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि हमारा प्लांट जो है घना हो जाए, एकदम भूसी हो जाए, और उसमें जो है कोई भी जगह खाली ना बचे फ्लावरिंग के लिए, तो आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये इसका फ्लावर है, और ये ऐसे मतलब टूट जाएगा, नीचे गिर जाता है, तो इसकी जो ये चीज़ बचती है ना, ये चीज़ बचती है, तो आपको इसको है ना प्लांट पे नहीं छोड़नी है, आपको इसको है ना हटा देनी है ऐसे करके, क्योंकि आप इससे हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ से जो है दूसरी न्यू बर्ड्स निकलेगी, और उसमें जो है काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी। मैंने यही सब किया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे जो है फ्लावरिंग हुई थी, तो मैंने यहाँ से इसको कट किया था, यहाँ पे देखिए आप दो बर्ड्स इसकी मतलब निकली है, और उसमें देखिए आप कलियाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी ऐसे ही किया था मैंने, ये देखिए यहाँ पे फ्लावरिंग की थी और यहाँ से फिर ये न्यू बर्ड्स निकली है, क्योंकि मैंने ये सब चीज़ें जो है इसकी तोड़ दी थी। आप देख सकते हो मेरे प्लांट्स पे जो है कहीं पे भी आपको ये सब चीज़ें नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने यहाँ से जो है ये सब चीज़ें तोड़ी हुई है, और एक जो है ढहनी पे आप देख सकते हो न्यू अलग से ग्रोथ निकल रही है, और उस पर जो है फ्लावर की बर्ड्स आई हुई है। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया था, आप देख सकते हो इस पर देखिए कितनी सारी बर्ड्स, एक यहाँ पर निकली हुई है,
यहाँ पे निकली हुई है, यहाँ पे निकली हुई, यहाँ पे निकली हुई है। ऐसे ही करके मैंने जो है सारे अपने प्लांट्स पे जो है किया था जब फ्लावरिंग कर रहा था मेरा प्लांट्स। और अभी भी मैं जो क्या करती हूँ इसका, मैं ऐसे ही करती रहती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला फ्लावर है, और इसको मैं यहाँ से हटा लूँगी, और फिर जो इसका ये चीज़ बचती है इसको मैं ऐसे करके तोड़ दूँगी, तो यहाँ से न्यू ग्रोथ होएगी और फिर उस पर जो है बर्ड्स आएगी, मेरा प्लांट जो है काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ऐसे करके। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और आपका प्लांट्स जो है काफ़ी अच्छे से जो है फ्लावरिंग करेगा और बहुत ही ज़्यादा जो है बूसी हो जाएगा। आप एक बार ट्राई ज़रूर कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि मैंने किया है और मैंने इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा खूब पाया है और मुझे काफ़ी अच्छा जो है इसका रिज़ल्ट मिला है। तो आप भी कीजिए फ्रेंड्स। यही था मेरा आज की वीडियो में बताने का, कि क्योंकि फ्रेंड्स मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।